गोपालगंज में और मोकामा में है। दोनों सीट पर राजद का उम्मीदवार काफ़ी मतों के अंतर से जीत रहा है। नीतीश कुमार अपने बीमारी के कारणों से नहीं गए थे, हमारे बारे में भी लोग कहते हैं, तो हम तो पैर के चलते नहीं गए थे, लेकिन मेरा बेटा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मोकामा में गाँव-गाँव में जाके घूमा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव हुए और अब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से सवाल किए गए कि आखिर आप और आप मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं वो मोकामा क्यों नहीं पहुंचे, तो उन्होंने बड़ा ही गंभीरता से उन्होंने पहले तो यह कहा कि अब आज़ादी के बाद 75 साल से हम लोग एक गुलामी की ही ज़िंदगी जी रहे हैं, बीजेपी जिस तरह से हिंदू कार्ड करके हम लोगों को भरमा रही है, अब उससे हम लोगों को आज़ादी पाने का टाइम आ गया है और मोकामा और गोपालगंज न जाने का क्या कारण बता रहे हैं, पहले वो आप सुनिए। समझते हैं कि जो गोपालगंज में और मोकामा में है, दोनों सीट पर राजद का उम्मीदवार काफ़ी मतों के अंतर से जीत रहा है, ये हम लोग की मानना है, एकदम कन्फर्म विश्वास है। और नीतीश कुमार अपने बीमारी के कारणों से नहीं गए थे, हमारे बारे में भी लोग कहते हैं, तो हम तो पैर के चलते नहीं गए थे, लेकिन मेरा बेटा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मोकामा में गाँव-गाँव में जाके घूमा है, तो इसलिए हम लोग सब साथ होकर के लड़े हैं, चुनाव का परिणाम हम लोगों के पक्ष में आएगा। लेकिन सर, अनुसूचित जाति का जो वोटिंग हुआ होगा वो किधर, क्योंकि सर दलित बहुत जल्दी तेजी से हिंदू भी बन जाते हैं और महागठबंधन में बहुत सारे लोग नेता हैं। नहीं, वो तो अलग है, बनाने का कोशिश किया जा रहा है, लेकिन हम लोग तो प्रयास यही करते हैं कि हिंदू बन करके आज तक 75 साल हुआ गुलाम बने हुए हो, जात पात ऊंच नीच के नाम पर भेद है, पूजा पाठ में भी भेद है, तुम्हारे यहाँ पंडित खाता नहीं है, पूजा भी ठीक से नहीं कराता है, जो पूजा कराने वाला आदमी है वो शराब पीता है, वो मांस खाता है, अनेक प्रकार की बात करता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसको शुद्ध पूजा नहीं कराना चाहिए, ये बात हम लोग प्रचारित कर रहे हैं और ये गांव-गांव बात प्रचारित हो गई है, इसलिए उनका जो हिंदू कार्ड है वो नहीं चलेगा। हम लोग सब मनुवादियों का विरोध करते हैं, हम लोग सब अम्बेडकर जी के साथ हैं, अम्बेडकर जी ने रास्ता दिया था, उस रास्ता को लेकर के हम लोग आगे बढ़े। नीतीश जी सर चुनाव प्रचार में नहीं गए थे, तो ये वो संकेत बना हुआ नहीं, तो कहा ना कि उनको चुनावी में चोट आ गई थी, जरा स्टीमर से उनको ये था, उनको तो जान बच गई, वही काफ़ी है, लेकिन प्रचार नहीं किया गया। तो आपने सुना जीतन राम मांझी, जो कि उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को चोट आ जाने की वजह से काफ़ी उनकी हालत ख़राब थी और उसकी वजह से वहां नहीं जा पाए, और मेरी भी तबीयत नहीं ठीक थी उसकी वजह से मोकामा नहीं जा पाए, लेकिन हालांकि हम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि उनके जो बेटे जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं वो वहां गए थे और उन्होंने लोगों को समझाने की भी कोशिश की थी कि आखिर मुख्यमंत्री यहां पर क्यों नहीं पहुंचे। जब उनसे यह भी सवाल किए गए कि वहां के जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं और हो सके आप लोगों के ना जाने की वजह से वोट इधर या उधर हो सकता है, आपके फेवर में ना आए, इसका भी ये हो सकता है, तो उन और एक चीज़ और उनसे ये भी कहा गया कि जो पंडित का जो मसला था जो आपने पहले बयान दिया था उस पर भी बहुत कुछ उन्होंने कहा है, और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे बेटे के वहाँ जाने से और लोगों को समझाने से जाहिर सी बात है वोट हमारे पक्ष में आएगा और मोकामा और गोपालगंज दोनों जगह पे जीत हमारी होगी और हम लोग गठबंधन के साथ वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कोई भी ये नहीं है कि सिर्फ आरजेडी हो या जदयू अलग हो, बल्कि हम लोग गठबंधन के साथ वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।